हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का जो चैप्टर 11 है उसका ब्रेन टीजर का पार्ट 3। अभी तक अगर तुम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हो तो जाओ जाके प्लेलिस्ट में देख लो। प्लेलिस्ट में पूरा जो सिलेबस है बना के रखा है। अभी तुम लोग अभी 7 का हो तो ठीक है, नहीं तो 8 का हो तो उसका भी मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। बस कुछ चैप्टर का ब्रेन टीजर बाकी है, वो भी धीरे धीरे मैं करने वाला हूँ। अच्छा, और एक बात कहना है कि अभी 9 का भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास। तो जो लोग 9 से हो, अगर तुम्हारा सीनियर है तो तुम उन लोगों के साथ शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी पता लगे कि आर्ट ऑफ मैथमेटिका वाले अभी 9 क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। भले नहीं है, ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है हम लोग। चलो, तो आज का जो है, देखो क्लास जो 7 है उसका 11 का जो चैप्टर है ब्रेन टीजर का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है। तो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, तो फिगर में बोलना क्या चाहते हैं एक बार पढ़ लेते हैं। चलो, अच्छा अच्छा, उससे पहले और एक चीज मैं भूल ही गया हूं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, वहां पे बोला गया कि इन द फिगर कुछ कुछ नंबर है, 11.23 और कुछ है, पी क्यू पैरेलल ए सर। तो यहां पे पी क्यू कौन है, ये वाला जो है मोहतरमा, इसके साथ ए सर के साथ पैरेलल है। ओके, अब SP परपेंडिकुलर खड़ा है किसके ऊपर, ये वाला मोहतरमा PQ के ऊपर, मतलब दिस इज 90 डिग्री। ओके, ये भी हमें दिया गया है, बहुत कुछ दिया गया है। चलो, PQ equals to 60 सेंटीमीटर ऑलरेडी रिटेन, अदर्स भी रिटेन। देखो SR 36 एंड QR 25 सेंटीमीटर। ओके चलो, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, इनका एरिया तुम्हें फाइंड आउट करना है। बच्चों एक बात कहना है, अगर तुम लोगों को ट्रापीजियम के बारे में पता है तो तुम उसका फॉर्मूला यूज करते हुए कर सकते हो, लेकिन एक जगह पे दिक्कत हो जाएगा। कहां पे, यहां पे जो है ये ट्रापीजियम वाला फिगर है, क्योंकि ऑपोजिट कोई भी एक पेयर पैरेलल है तो उसका एरिया क्या होता है पता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये है ट्रापीजियम का एरिया। लेकिन सम, देखो पैरेलल साइड का तो वैल्यू दिया गया है, डोंट वरी, मैं उसको साम को डिफरेंट तरीके से भी कराऊंगा, वेट कर जाओ थोड़ा सुन लो। तो साम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट मतलब यहां पे जो एक साइड है ये इटसेल्फ हाइट, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है। हाइट मतलब हमेशा बेस के साथ परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो ये हाइट है, अभी ये जो पी एस है इसका हमें वैल्यू दिया नहीं गया है, तो इसका वैल्यू अगर फाइंड आउट कर ले, तो अगर तुम्हें ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता है तो तुम ये कर सकते हो। लेकिन हमें सर, हम लोग तो क्लास 7 में हैं, तो 8 में तो ये वाला फॉर्मूला है तो पता नहीं है, तो कैसे करूं सर। डोंट वरी, उसका भी रास्ता है। क्या करना है, देखो एक स्केल और पेन के मदद से मैं एक कंस्ट्रक्शन करने वाला हूं। कैसे, जो आर है, आर पॉइंट से पी क्यू के ऊपर और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाला हूं। चलो कर लेते हैं। Here it is. Can you see that? There is two type of figure has been made now. One is, this is rectangle and that one triangle. Triangle मतलब ऐसा वैसा triangle नहीं, ये right triangle है ना। तो अभी तुम rectangle के area तो find out कर पाओगे, अगर तुम्हें breadth का value पता लगे तो, height उसका length तो पता है 36 है, तो breadth कैसे पता लगाओगे, वही चीज यहां से यूज करना है। कैसे, देखो मैंने अभी भी कहा ना कि ये ऐसा वैसा ट्रायंगल नहीं है, ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आर क्यू यहां पे, चलो कोई भी एक पॉइंट मान लेते ना हम, तुम लोग बोलो अक्कर बक्कर बम्बे वो कुछ भी करो, चलो यहां पे बी लेते, बी। तो आर बी क्यू इज अ राइट ट्रायंगल, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना। तो अभी बताओ इसका जो लेंथ होगा इसका वही होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। गॉट इट। चलो, तो अभी इस राइट ट्रायंगल में क्या है कि तुम्हें अगर इसका वैल्यू कहीं से पता लगा लिए तुम लोग, तो बेस का वैल्यू मिल जाएगा, हाइपोटेनियस का मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर आएगा ना पाइथागोरस थ्योरम से। अभी बेस का कैसे पता लगाओगे, यह भी रास्ता है हम लोगों के पास। कैसे, देखो टोटल वाला लेंथ है 60। अभी एक बात बताओ, यहां पे तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे तो ये भी तो पैरेलल हो जाएगा ना, तो इनका बीच का डिस्टेंस भी सेम हो जाएगा। तो ये 36 मतलब यहां से यहां तक ये भी 36 हो गया ना,
तो बाकी का कितना होगा, 60 से माइनस कर दो तो BQ का वैल्यू क्या होगा, जो 60 है टोटल, टोटल से ये 36 माइनस कर दो तो आएगा यहां पे 424, तो BQ का वैल्यू है 24। यही था चीज, बाकी तो हो गया। अभी पाइथागोरस थ्योरम से 25, 24 है तो इसका 10 आएगा, देख लेना मुझे पता है, तो 10 यहां पे आएगा तो ये भी 10 होगा। तो इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लो, कैसे करोगे, 36 × 10 आ गया एरिया। अभी इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर लो, वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस मतलब 24 × 10, हो गया ना आसान। और अगर तुम लोग ट्रापीजियम का जो वॉल्यूम एरिया का फॉर्मूला है उसके मदद से करना चाहते हो तो इसको लिखो हाफ इंटू 60 + 36 × 10। चलो करके दिखाते हैं स्टेटमेंट लिख के। तो यहां पे हमें चाहिए क्या था, चाहिए था इसका वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो उससे पहले गिवन विवन लिख सकते हो तुम अगर चाहो तो, चलो लिख देते हैं। देखो गिवन में क्या है, पी क्यू पैरेलल एस है, ठीक है, एस पी परपेंडिकुलर पी क्यू, और ये सब है गिवन, वैल्यू गिवन है। अभी कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, आर बी ये जो है मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर, और नहीं तो कह सकते हो थ्रू आर ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन व्हिच इंटरसेक्ट एट पी क्यू एट बी ऑन पी क्यू, ओके ऐसे भी कर सकते हो। तो सिंपली ऐसे लिखो, तुम लोगों को स्टेटमेंट लिखने में इतना झमेला नहीं होगा, ठीक है, इसलिए। तो चलो सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में देखो हमें क्या करना था, यहां पे अगर दो टाइप का फिगर मिलेगा ना तो सॉल्यूशन में देखो वी हैव पी बी आर एस एज रेक्टेंगल एंड आर बी क्यू एज राइट ट्रायंगल। अभी ये मेरे पास है, अब एक बात बताओ, पी क्यू का लेंथ पता है, एस आर का पता है, अभी पी बी आर एस अगर रेक्टेंगल हुआ, PBRS rectangle है, there now SR equals to PB equals to सेंटीमीटर ऑपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल। मैंने क्या किया यहां पे, देखो ऑपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, तो PBRS इट बिकम्स अ रेक्टेंगल अगर तुम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो। अभी क्यों रेक्टेंगल हो रहा है उतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है यहां पे। तो अभी ऑपोजिट साइड इक्वल हो गया तो तुम्हें BQ का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, सो BQ इक्वल्स टू क्या होगा, PQ माइनस PB। अब PQ का वैल्यू तो गिवन है 60 सेंटीमीटर, PB का अभी अभी तुमने फाइंड आउट किए हो 36 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, यहां तक आ गया अभी। अच्छा ये 10 नहीं, ये कुछ और होगा, चलो मैं देख लेता हूं कितना होता है। राइट ट्रायंगल में क्या है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, नाउ आर बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यू का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, ओके चलो आर बी का वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना था, बी क्यू का अभी अभी फाइंड आउट किए है 24 स्क्वायर और ये है 25 स्क्वायर, गॉट इट। चलो तो आर बी का स्क्वायर क्या होगा, अभी 24 का 5 का स्क्वायर अगर पता नहीं तो लिख लो 625 और ये होगा 576, तो माइनस करोगे तो तुम्हें मिलेगा 9 मिलेगा 9, फिर माइनस करोगे तो यहां पे 1 कैरेट पर 8 मतलब 4 49 7 आएगा। अच्छा तो देयरफॉर आर बी का वैल्यू क्या होगा, 7 होगा, क्योंकि देखो आर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 49 व्हिच इंप्लाइज आर बी क्या आएगा, 7, क्योंकि 49 जो है क्या है 7 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा मतलब आर बी इक्वल्स टू 7 आएगा, ओके मैंने वही लिखा है, चलो उस साइड में लिख ही दिया है तो यहां पे रब कर देता हूं। अभी ये 7 हो गया, ये भी 7 है, गॉट इट। तो फॉर्मूला से डायरेक्ट कर सकते हो तुम,
नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो कि एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस, तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इक्वल्स टू पी क्यू, अच्छा क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस लिखो, क्या होगा दो तरह का, एक है रेक्टेंगल दिस, रेक्टेंगल पी बी आर एस प्लस राइट ट्राइंगल, और ट्राइंगल लिख दो ट्राइंगल आर बी क्यू, ओके एरिया ऑफ द रेक्टेंगल दिस एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो इक्वल्स टू, अभी रेक्टेंगल मतलब क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहां पे ब्रेथ जो है 7, लेंथ जो है 36, तो 7 इंटू 36 प्लस इसका ट्राइंगल का क्या है हाफ इंटू, देखो ये अगर 90 डिग्री हुआ तो ये इटसेल्फ परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हाफ इंटू 7 इंटू 24, ओके यहां पे देखो 24 12 हो जाएगा, तो इसका कैलकुलेट करोगे तो 7 इंटू 36 का करो, इसका तुम एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, 7 इंटू 36 7 इंटू 12, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी यहां पे यूज कर सकते हो, चलो कोई बात नहीं है, तुम लोगों को समझ में नहीं उतना डिफिकल्टी लग सकता है तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं, ओके चलो, तो यहां पे देखो 42 टू 4 कैरेट 25, तो 252 प्लस ये होगा 712 84, दिस इक्वल्स टू ये आएगा 6336, तो दिस यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके सो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, अच्छा इसको इस फॉर्मूला से भी कर सकते हो तुम लोग, हाफ इंटू साम ऑफ द पैरेलल साइड मतलब 60 प्लस 36 इंटू हाइट क्या है 7 है, इससे भी कर सकते हो, देखो तो ये आएगा हाफ इंटू, इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 एंड 0 6 होएगा, होएगा 7, तो ये आएगा 4 8, आ गया, फॉर्मूला से भी कर सकते हो इससे भी कर सकते हो, चलो अभी नेक्स्ट, तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं, यहां पे बोला गया है कि देयर इज ए सर्कुलर पॉन्ड, मैंने ड्रॉ करके रखा है, ओके एंड फुटपाथ रन्स अलोंग इट्स बाउंड्री, तो एक रास्ता है, रास्ता कहां पे अलोंग इट्स बाउंड्री, भीतर बाहर कहीं पे नहीं बोला गया, हिंस तो कहीं ना कहीं रहेगा, देख लेते, अ मैन वॉक्स अराउंड इट एग्जैक्टली वंस, तो एक आदमी क्या कर रहा है इसके चारों तरफ एक बार, एक ही बार ऐसे घूम के घूम रहा है, ठीक है ना, एक ही बार, कीप क्लोज टू द एज, ये है हिंस, कीप क्लोज टू द एज, मतलब यहां पे ये टर्म दिया गया है, मतलब यहां से हमें कंक्लूड करना है कि ये जो सर्कमफेरेंस है उसी के तरफ, मतलब अलग से यहां पे तुम्हें और कोई रास्ता नहीं बनाना पड़ेगा कि इस तरफ बाहर से जा रहा है, और एक पॉन्ड के अंदर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि पॉन्ड के अंदर होगा तो वो पानी रहेगा ना, पानी के ऊपर कैसे एक आदमी वॉक करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, तो बाहर होगा, हो सकता था, लेकिन यहां पर बोला गया कि क्लोज टू द एज, तो इसीलिए हमें ये अलग से और कुछ ड्रॉ नहीं करना है, यहां पे क्लोज टू द एज मतलब यहां से हमें समझ लेना चाहिए, मतलब समझ लेना होगा कि इसका जो सर्कमफेरेंस है उसी तरफ ये मूव कर रहा है, मतलब ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो इसी तरफ ये मूव कर रहा है, ठीक है ना, ओके तो अलग से कोई रास्ता नहीं है, मतलब उसी क्लोज टू द एज मतलब उसी तरफ, ये इंपॉर्टेंट है, ये है हिंट्स, उस जगह को मार्क करके रखना बुक में, ठीक है चलो, इफ हिज स्टेप इज 44 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब तुम जब ऐसे चलते हो तो पैर का एक डिस्टेंस होता है ना, मतलब एक पैर से मतलब ऐसे खड़े हो, अभी चलना है तो मतलब तुम्हें एक पैर को आगे आगे रखना है, सोचो ऐसे तुम्हारे दोनों पैर ऐसे, पैर ऐसे है, अभी चलना है तो मतलब एक पैर को आगे ऐसे लाना है ना, तो ये जो डिस्टेंस है यहां से, ये जो डिस्टेंस दोनों दो उंगली के बीच में देखो, ये सोचो दो पैर है, वो है 44 सेंटीमीटर, सोचो एक शॉर्ट आदमी है उसका डिस्टेंस कम होगा, जिसका पैर का लेंथ कम होगा, जो एक बहुत लंबा आदमी है 6 फीट और 6'2" 6'5" ऐसा कुछ आदमी, नहीं तो जो लोग डब्ल्यू डब्ल्यू देखते हो वहां पे अंडरटेकर जो होता है वो बहुत लंबा है, केन बहुत लंबा है,
तो वो लोग अगर चलेगा तो उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो ये अलग अलग होता है। तो इसीलिए एक वो आदमी के लिए बोला गया है, पर्टिकुलर आदमी के लिए, कि 44 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब ऐसे अगर मैं पैर रखूं तो वो 44 सेंटीमीटर हो रहा है जो डिस्टेंस, ओके, एक स्टेप में। अभी बोला गया कि एंड ही टेक्स एग्जैक्टली 600 स्टेप्स, मतलब एक पूरा सर्किल को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने 600 स्टेप लिया है। एक स्टेप में 44 सेंटीमीटर, तो 600 स्टेप में कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा एक स्टेप में 44 सेंटीमीटर, तो 600 स्टेप्स में कितना होगा, मल्टीप्लाई होगा, इतना होगा 600 इंटू 44 सेंटीमीटर, अंडरस्टूड ना। तो ये है फंडा, तो ये है टोटल, मतलब अभी आता हूं बाकी का। 600 स्टेप टू गो अराउंड द पॉन्ड हो गया। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पॉन्ड, तो रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला हमें फाइंड आउट करना है। तो जो नहीं दिया गया है वो मान लेता हूं एक्स आर, लेट द रेडियस ऑफ द पॉन्ड बी आर। अच्छा, मैंने सेंटीमीटर माना है, क्यों, क्योंकि यहां पे बाकी का डेटा सेंटीमीटर में है इसलिए, ओके। तो रेडियस ऑफ द पॉन्ड बी आर सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, उसका सर्कमफेरेंस क्या होता है, देयरफॉर सर्कमफेरेंस 2πr सेंटीमीटर, ओके। तो उसका सर्कमफेरेंस होगा 2πr सेंटीमीटर। अभी एक बात बताओ, ये मतलब क्या है, ये पूरा जो मैंने ब्लू में ड्रॉ किया है ये वाला पार्ट, तो एक आदमी 600 स्टेप ले रहा है इस पार्ट को, मतलब सर्कमफेरेंस को कवर करने के लिए, तो वो कितना सेंटीमीटर हो रहा है, 600 इंटू 44 सेंटीमीटर। यही जो है ये एक सर्कमफेरेंस के साथ इक्वल होगा। मैं इस जगह को समझ लो कि एक आदमी एक सर्किल के चारों तरफ, मतलब पॉइंट के चारों तरफ एक स्टेप करके कवर किया, मतलब उन्होंने क्या कवर किया, उसका सर्कमफेरेंस का जो डिस्टेंस है वो कवर किया ना। तो सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस कवर किया है मतलब, तो ये जो सर्कमफेरेंस है और इनका जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है एक आदमी का, कवर्ड बाय द डिस्टेंस ऑफ ए मैन, वो दोनों इक्वल होगा ना। तुम अब खुद को सोचो कि तुमने एक पॉइंट के चारों तरफ एक बार पूरा डिस्टेंस को कवर किया है, मतलब उसका सर्कमफेरेंस को कवर किया है, समझ में आ गया। तो इसीलिए दिस इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस होगा, ये फंडा है। तो वो हम यहां पे करने वाले हैं, लिखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन, द मैन, यहां पे तो मैन बोला गया तो द मैन क्या होगा, एक स्टेप के लिए 400 सेंटीमीटर, तो 600 स्टेप, तो 600 इंटू 44 सेंटीमीटर, ओके। अभी दिस इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, 2 पाई आर इक्वल्स टू 600 इंटू 44, ओके। अब इसका कैलकुलेट करो, 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर इक्वल्स टू 600 इंटू 44 इंप्लाइज, अब देखो 2 इंटू 24 मतलब 44, तो 44 बाई 7 को इधर लाओगे तो क्या होगा, 600 इंटू 44 है, अभी यहां पे 44 बाई 7 को उधर लाओगे तो ये 7 नीचे था, इधर आ जाएगा ऊपर में और ये नीचे, गॉट इट, मतलब पैर नीचे सर ऊपर ऐसे वैसे, मतलब सर नीचे पैर ऊपर, शीर्षासन जैसा, ये पूरा घूम जाएगा। यहां पे क्या था 44 बाई 7, इस साइड में आके क्या होगा 7 बाई 44, अच्छा ये एक मिनट रुको, देखो यहां पे क्या था, इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या है 44 बाई 7, तो इसको इधर लाओगे तो 7 बाई 44 पूरा घूम जाएगा नंबर, तो अभी 44 कैंसिल, 7 6 जा 4200, तो आर है 4200 सेंटीमीटर। अभी इसको मीटर कर सकते हो क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर है ना, तो 100 से डिवाइड करोगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 4200 बाय 100 मीटर, 2020 कैंसिल, मतलब 42 मीटर। सो रेडियस ऑफ द पॉन्ड बी 42 मीटर, आंसर लिख लेना। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में मैं 7 और 8 कर दूंगा, मतलब चार पार्ट होगा, ये 3 नंबर पार्ट है और एक पार्ट बस खत्म हो जाएगा ब्रेन टीजर, ओके, इस चैप्टर का। हॉट्स का क्वेश्चन बना के रखा है, प्लेलिस्ट में जाके देख लो, एनरिचमेंट भी है, ओके। तो चलो आज के लिए इतना ही, डू लाइक कॉमेंट, अगर कुछ कहना है तो कमेंट करो, एंगेजमेंट चाहिए, आई नीड एंगेजमेंट, कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाना, कुछ सजेशन देना है तो बोल सकते हो, क्या कहाँ पे दिक्कत हो रहा है तुम लोगों को, जस्ट कमेंट करो, ओके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।